हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं एसके टेक्नोलॉजी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपके जो लैपटॉप में या फिर आपके जो कंप्यूटर में जो भी फंक्शंस के होते हैं उसका बेसिकली क्या वर्क होता है। ओके, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि गाइस फंक्शन की का वर्क क्या होता है। ओके, और जब वो लैपटॉप में अपने फंक्शन की वो क्लिक करते हैं तो गाइस वहाँ पे कोई फंक्शंस नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको वो सारे यूज बताने वाला हूँ जो फंक्शंस के कर सकते हैं। ओके, और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और अगर आप स्किप कर देंगे देन नहीं आएगा। ओके, तो गाइस आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला फंक्शन की है वो है F1। ओके, और मैं आपको बता दूं कि आप F1 को अगर आप किसी कंप्यूटर में F1 प्रेस करेंगे तो आपको वहां पे हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा, लेकिन वही अगर आप किसी लैपटॉप में F1 को प्रेस करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फंक्शन की देन आप F1 को प्रेस करेंगे तो आपका हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा। और इस हेल्प सेंटर का ये काम होता है जैसे कि आपको क्रोम के बारे में कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कि जो F2 होता है इसका बेसिकली क्या वर्क होता है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही मतलब यूजफुल सा है और ये बहुत ही टाइम बचाने वाला है, और आई होप कि आपको पता होगा, शायद पता होगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी प्रोग्राम या फिर किसी भी फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करके देन आप F2 को प्रेस करेंगे तो वहां पर शॉर्टकट में एकदम रीनेम का मतलब वहां पे शो कर जाएगा, ठीक है। और आप उसको आराम से रीनेम कर सकते हैं, वहां पर ये वाला प्रोसेस नहीं कि राइट क्लिक करो देन फिर आप नीचे जाओ उसका रीनेम का वो चीज देखो देन फिर आप उसको रीनेम करो, तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। बहुत ही इजी वे में आप किसी भी प्रोग्राम में किसी भी फाइल को आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस, जो हमारा थर्ड फंक्शन की है वो है F3, और मैं आपको बता दूं कि F3 बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर्स करते हैं तो आप सिंपली F3 को प्रेस करेंगे तो आपका वो जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक लैपटॉप यूज करते हैं तो आपको फंक्शन की देन आपको F3 को प्रेस करना होगा तभी वो एक्शन होगा, ओके। और मैं आपको बता दूं कि जो F3 का जो मतलब जो काम होता है बहुत ही मस्त वाला काम है, ठीक है। जैसे कि आप अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन पे कोई प्रोग्राम को सर्च करना है तो आप बहुत ही इजी वे में सर्च कर सकते हैं। और इसका एक और बेस्ट यूज है कि अगर आप क्रोम ब्राउजर में कुछ भी मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको वो पर्टिकुलर जो लिखा हुआ सेंटेंस है आपको वो चाहिए तो आप उसमें बस फंक्शन की देन आप F3 को प्रेस कीजिए, ओके। और बस आपको बस साइड में राइट साइड में आपको एक सर्च बार का एक ऑप्शन दिखा देगा, आपको जो भी सर्च करना है कोई भी लिखा हुआ सर्च करना है तो आप लिख सकते हैं देन बहुत ही आराम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस, जो हमारा फोर्थ फंक्शन की है वो है F4 का, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिंपल सा अगर आप F4 को प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत सारे प्रोग्राम बहुत सारे मतलब टास्क कर रहे हैं और आपको मतलब बस करंटली उसको क्लोज कर देना है, ठीक है, तो आप सिंपल सा F4 को अल्ट और F4 को प्रेस करेंगे तो वो एकदमली रैंडमली क्लोज हो जाएगा, हर एक चीज क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इसका एक और यूज है, शायद आप सबको पता होगा कि हम अगर आप अल्ट और F4 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड आ जाएगा जिससे हम हमारे PC को रीसेट स्लीप या फिर हम उसको शट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, जो हमारा फिफ्थ फंक्शन की है वो आपके लिए मतलब यूजफुल सा है और मतलब बहुत ही बेसिक सा है, ठीक है। तो अगर आप आपके कंप्यूटर में F5 को प्रेस करेंगे तो आप बिना राइट क्लिक किए आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं, ओके। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रोम ब्राउजर में हैं, ठीक है, और आपको रिफ्रेश करना है तो आपके माउस को कर्सर को वहां पर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है कि चलो भाई ठीक है वहां लेंगे तब रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो आप बस क्रोम ब्राउजर में हैं और आपको रिफ्रेश करना है तो देन आप F5 को प्रेस कीजिए, सो वो रिफ्रेश हो जाएगा, शायद ही पता होगा।
फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा सिक्स फंक्शन की है उसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस हम उसको प्रेस करेंगे हमारे लैपटॉप में तो वॉल्यूम डाउन होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको, आप अगर क्रोम में हैं और आपको किसी भी यूआर में डायरेक्ट जंप करना है, तो आप फंक्शन की देन आप F6 को प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली उस यूआरएल में जंप कर जाएंगे, ओके। तो गाइज अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सेवन फंक्शन की है वो अगर आप सिंपली आप F7 को प्रेस करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कोई वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आप वर्डपैड में या फिर MS Excel में जाकर आप अगर फंक्शन के ना आप F7 को प्रेस करेंगे तो अगर आपको जो स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक है आपको चेक करना है तो आराम से आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 8th फंक्शन की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और अगर आप F8 को प्रेस करेंगे तो आप जंप कर जाएंगे आपके सेफ मोड में, ओके। और अगर आप किसी वर्डपैड में हैं या फिर आप एक्सेल में हैं तो अगर आप फंक्शन की देना F8 को प्रेस करेंगे तो जितना भी वो जो लिखा हुआ है आप उसको एक बार में ही सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज जो हमारा 9th फंक्शन की है उसका ज्यादा विंडोज में काम नहीं होता है, ठीक है। हम उसको यूज में ले सकते हैं वर्डपैड में, देन एक्सेल में, और हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, शिफ्ट और अल्ट की मदद से, ओके। सो गाइज जो हमारा 10th फंक्शन की है वो MS वर्ड में यूज होगा, ओके। और अगर आप फंक्शन की देन आप F10 को प्रेस करेंगे तो आपको वहां पे शॉर्टकट मेनू दिखा देगा जो आप यूज करना चाहते हैं, ओके गाइज। सो गाइज जो हमारा 11th फंक्शन की है वो भी इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है, ओके। और आप सबको शायद ही पता होगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी ब्राउजर को, चाहे वो क्रोम ब्राउजर हो चाहे वो फायरफॉक्स ब्राउजर हो, कुछ भी हो, ठीक है, और अगर आपको उसे फुल मोड में यूज करना है तो आप फंक्शन की देन आप F11 को प्रेस करेंगे तो आप उसको फुल मोड में यूज कर सकते हैं, ओके। सो गाइज जो हमारा लास्ट फंक्शन की है F12 वो भी यूजफुल है, ओके। तो अगर आप सिंपल सा F12 को प्रेस कर देंगे तो आपका जो लैपटॉप है फ्लाइट मोड में चला जाएगा, लेकिन अगर आप फंक्शन की देन आप F12 को प्रेस करेंगे तो कोई भी वर्क नहीं होने वाला है, ओके। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप MS वर्ड में जाकर आपको कोई भी फाइल को सेव करना है, ठीक है, तो आप फंक्शन की देन आप F12 को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा एक विंडो खुल जाएगा जहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आपको क्या नाम से सेव करना है, समझ रहे हैं ना, तो उस टाइप से शो करेगा, ठीक है। सो गाइज जैसा कि आपने देखा मैंने आप सबको सारे फंक्शंस की के बारे में बता दिया, ओके। और आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन की के मतलब क्या क्या यूज होते हैं, F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, देन .. देन F12 से क्या होता है, ओके। और आई होप यू गाइस कि आपने मेरा ये वीडियो एंजॉय किया होगा। और क्या आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया? अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया सो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ओके। और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपने कभी भी फंक्शन की को यूज किया है, और कमेंट ये भी कीजिएगा कि आपको जो मैंने बताया कि आपने उसको यूज किया या नहीं किया, ओके गाइस। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, गुड बाय।